अचीव कैसे हुआ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास, टैरिफ्स एंड कोटास, टैरिफ टैक्सेशन, कोटा क्वांटिटी पे लिमिट सेट कर देना। आप 10 यूनिट से ज्यादा इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते, आप 1000 यूनिट से ज्यादा इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक 1950, इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि सबकी डिमांड मीट कर लें। तो कह रहे बिल्कुल जीरो मत करो इम्पोर्ट्स, ऐसा करो कोटा सेट कर दो कि आप 100 यूनिट से ज्यादा इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते, बाकी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैंडल कर लेंगे। जीरो मत करो, एक कोटा सेट कर दो कि इससे ज्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो एक तो कोटा रिस्ट्रिक्शन, दूसरा टैरिफ टैक्सेस इम्पोज कर दो। तो पॉइंट दोनों का पर्पस ये है कि डिस्करेज करने की कोशिश करें कि ज्यादा इम्पोर्ट ना करें। गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टू वेज टू प्रोटेक्ट गुड्स परचेज्ड इन इंडिया थ्रू इम्पोर्ट्स। नंबर वन टैरिफ्स, टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस, टैरिफ्स रेफर टू द टैक्सेस लेवी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स वॉज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। आप बाहर से क्यों इम्पोर्ट करते हैं? कोई भी चीज बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक, इंडिया में है ही नहीं वो चीज, यहाँ है ही नहीं तो मुझे बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, एक तो सबसे बड़ा रीजन ही होता है। दूसरा, बाहर से बेटर क्वालिटी मिल रहा है, यहाँ पे भी है वहां पे भी है बट उनका क्वालिटी बेटर है। और एक रीजन होता है सस्ता पड़ रहा है, एक रीजन होता है सस्ता पड़, एक है कि इंडिया में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बनाओ बनाओ, ठीक है जी चलो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं है तो आप बनाओ। दूसरा, बेटर क्वालिटी है, अब हम उनकी क्वालिटी तो खराब कर नहीं सकते कि हमारा सामान बिके, तो अपनी ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तीसरा, प्राइसेस, कह रहे उनके टैक्सेस इम्पोज कर दो, तो टैक्सेस इम्पोज करेंगे दे टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई चीज 100 रुपए की है उसके ऊपर 20% टैक्स इम्पोज हो गया तो 120 की हो गई, तो अब आपको कॉस्टली पड़ेगी। तो इंडियन बायर्स की डिमांड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश हो रही है। कोई डाउट? टैरिफ्स दे रेफर टू द टैक्सेस लेवीड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। द पर्पस, द बेसिक एम, द बेसिक एम वॉज टू इम्पोज हैवी टैक्सेस, was to make them more expensive and discourage their use. Quotas, quotas refer to non-tariff barriers. एक हो गया tariff taxation, non-taxation, non-tariff barriers imposed on the quantity of imports and exports. It is fixing the maximum limit on the imports of a commodity as well as exports भी कर रहे थे, ताकि भैया बाहर नहीं पहले यहाँ, क्योंकि अगर बाहर से आपको बेटर प्राइस मिल रहा है तो आप बाहर बेच दोगे, तो यहाँ की जो डॉम हम बाहर से इम्पोर्ट कर नहीं रहे, आप जो बना रहे हो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंडियन बायर्स की डिमांड कहाँ से मीट होगी? तो उन्होंने कोटाज दोनों पे डाले थे, बट अभी पर्पस क्या था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्ट्स पे तो टैरिफ बैरियर्स डाले ही डाले, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कोटा रिस्ट्रिक्शन दोनों पे डाले थे, इम्पोर्ट्स पे भी और एक्सपोर्ट्स पे भी। एक्सपोर्ट्स का लॉजिक समझ आया ना कि भाई साहब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ज्यादा बाहर ताकि आपका सामान इंडिया में ही बिके। तो टैरिफ्स एंड कोटाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटाज आर ऑल्सो नोन एज नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। कोई डाउट?